हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ आप सबके सामने। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नायब तहसीलदार और तहसीलदार में क्या फ़र्क है, क्या अंतर होता है, क्या इनके कार्य हैं और कैसे इनकी भर्तियाँ होती हैं, कैसे इस पद पर पहुँचा जा सकता है। तो इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि सामान्य अध्ययन यानी GS सेकेंड पेपर में, जो UPPCS मेंस का सिलेबस है, ये सेकंड पेपर में, इसमें एक टॉपिक है सेकंड पेपर में, उस टॉपिक का नाम है कि उत्तर प्रदेश राजनैतिक प्रशासनिक राजस्व एवं न्यायिक व्यवस्थाओं की विशिष्ट जानकारी, एक ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक के तहत मैंने ये वीडियो को बनाना जो है चाहा है। और अगर देखते हैं किस हद तक ये वीडियो आप लोगों के लिए इस टॉपिक के तहत मददगार या कारगर साबित होता है। दोस्तों, आइए चल के देखते हैं कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार, तो जिला प्रशासन की बुनियादी इकाई होती है, जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं हमारे देश में, स्टेट हैं, स्टेट को कई प्रत्येक स्टेट को कई डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता है और एक ज़िले में कई तहसीलें होती हैं। तहसील के प्रभारी को तहसीलदार कहा जाता है। तहसील में ही उप जिला मजिस्ट्रेट होता है, उसके बाद तहसीलदार और नायब तहसीलदार होते हैं, फिर कानूनगो और लेखपाल। उत्तर प्रदेश में तहसीलदार को उप जिलाधिकारी के समान शक्तियां प्राप्त हैं। तहसीलदार प्रथम बार नायब तहसीलदार के रूप में चुने जाते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होते हैं। उसके बाद वे उप जिलाधिकारी यानी तहसीलदार की बात हो रही है, उप जिलाधिकारी के पद पर प्रोन्नत हो जाते हैं। पहले नायब तहसीलदार, फिर उप जिलाधिकारी। तहसीलदार के सहायक को ही नायब तहसीलदार कहा जाता है। फिर देखते हैं तहसीलदार के कार्य क्या होते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहला कार्य है भूमि से संबंधित विवाद सुनना तथा समस्या का निदान करना। दूसरा कार्य है पटवारी द्वारा किए गए कार्यों का पर्यवेक्षण करना, पटवारी मतलब लेखपाल। उसके बाद यह सुनिश्चित करना कि भूमि अभिलेख ठीक से रखा गया है कि नहीं। अगला कार्य है भूमि राजस्व का उचित संग्रह सुनिश्चित करना, यानी भूमि की जो कर है राजस्व का उचित संग्रह सुनिश्चित करना। अगला कार्य है छात्रों के लिए जाति प्रमाण पत्र, निवास, आय तथा विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र तहसीलदार के हस्ताक्षर द्वारा मान्य होते हैं। उसके बाद देखते हैं नायब तहसीलदार के कार्य। तो पहला कार्य है नायब तहसीलदार भूमि राजस्व और सरकार को दे अन्य बकाया राशि के संग्रह के लिए जिम्मेदार होते हैं। उसके बाद अगला कार्य है अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों के संपर्क में ही रहते हैं, अधीनस्थ पटवारी, लेखपाल, कानूनगो इत्यादि। तीसरा, मौसमी स्थितियों और फसलों की स्थिति का निरीक्षण भी ये लोग करते रहते हैं। चौथा, किसानों की समस्याएं सुनते हैं व ऋण वितरण भी करते हैं। पांचवा, अपने क्षेत्राधिकार के क्षेत्र का दौरा करते हैं, यानी अपने सर्किल जो उनके संबंधित सर्किल हैं उनका दौरा ये लोग करते रहते हैं। अगला जो कार्य है वह भूमि से संबंधित विवादों का निर्णय हेतु अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराना। जो भी विवाद भूमि से संबंधित हैं उनको जो निर्णय करने के लिए उच्च अधिकारी को सूचित करना है। तो तहसीलदार और नायब तहसीलदार में अंतर क्या है। दोस्तों, तहसील के प्रभारी अधिकारी को तहसीलदार कहते हैं। एक तहसीलदार को सहायक कलेक्टर ग्रेड वन की शक्तियों के साथ विभाजित किया गया है। नायब तहसीलदार को इस शक्ति के साथ सम्मिलित नहीं किया गया है। तहसीलदार राज्य सरकार के द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी हैं और राजपत्रित अधिकारी के रूप में प्रमाण पत्र बनाने और जारी करने में सक्षम हैं, जबकि नायब तहसीलदार को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों, ये था वीडियो तहसीलदार और नायब तहसीलदार के विषय पर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैव ए ग्रेट टाइम। बाय बाय।